हेलो स्टूडेंट, दिस इज तेज प्रताप फ्रॉम आज से परिवार यूट्यूब चैनल। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। देखिए, एवेलुएट ईच ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिवाइड्स हमको दिए गए हैं, ये डिवाइड्स हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट जो है वो है -30/10। तो मैं इसको अगर इस तरीके से लिखूँ, -30/10। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आपको डिवाइड करना है किसका, 10 का, किस में, 30 में। तो आपको पता है अगर हम डिवाइड करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हमारा आंसर आएगा, 3। और माइनस का साइन है तो माइनस, आंसर कितना आ गया हमारा, -3। बी पार्ट अगर हम करें 50 में -5 से डिवाइड करें, तो देखिए जब भी आपका एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का रहेगा, पहले मैं बता दिया है, जब भी आपका एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का रहेगा, आंसर आपका माइनस में आएगा। और 5 का डिवाइड अगर हम 50 में करें तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। ठीक है, अब हम सी पार्ट को अगर देखें, देखो -30/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, जब भी दोनों आपके माइनस में रहेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। और 9 1 9 9 4 36, तो आंसर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस का 49/49, देखिए एक नंबर माइनस का है, एक नंबर आपका प्लस का है, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। 49 से 49 डिवाइड होगा कितनी बार, 1 बार, तो आंसर माइनस का 1 आज आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, तो देखिए 13, अब आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ठीक है, आपको पता है कि बोर्ड मास के अंदर पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है, तो आपको ब्रैकेट करना होगा, उसके बाद में डिवाइड करना होगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट उसके बाद डिवाइड। तो देखिए अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या आएगा, -2+1। ठीक है, तो 13/-2+1 अगर हम करेंगे तो आंसर किसका आएगा, -1। और जब हम 13 को डिवाइड करेंगे किसके साथ में, -1 के साथ में, तो आपका आंसर कितना किसका आएगा, तो देखिए -1 नंबर 1 नंबर प्लस, तो आंसर माइनस का। और 1 का डिवाइड 13 में करेंगे तो आंसर 13, क्या आंसर आ जाएगा आपका, 13। देखिए पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, -2+1 सॉल्व किया, -1 का डिवाइड 13 में करेंगे तो माइनस का 13। इसी तरीके से आपको 0 में डिवाइड करना है -12 का। ध्यान रखेंगे जब भी किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0, और जब भी हम किसी नंबर का 0 में डिवाइड करते हैं तो भी आंसर क्या आता है, 0। सिंपल, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है हमको। जी क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो देखिए -31 ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें, -30/-1 क्या आ गया, -31 डिवाइड, दोनों एक जैसे ऐड हो जाएंगे, -31। अब -31 को -31 से जब आप डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 से 31 वन टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एच पार्ट को देखते हैं, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो ब्रैकेट में आप देखिए क्या आ रहा है, ये तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में देखिए -36/12, मतलब पहले आपको ब्रैकेट वाला डिवाइड कंप्लीट कर लेना होगा। तो देखिए अगर हम 36 में 12 का डिवाइड करते हैं, कितनी बार होता है, 12 3 36, क्या आएगा, 3, और माइनस का साइन आएगा, ये आपका डिवाइड सॉल्व हो गया, उसके बाद में 3। अब हम -3 में 3 का डिवाइड कर लें, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, आंसर आएगा माइनस में, 3 का डिवाइड 3 में 1 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। देखिए पहले जो ब्रैकेट में डिवाइड था हमने वो डिवाइड सॉल्व किया ब्रैकेट वाला, क्योंकि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसको सॉल्व करने के बाद में फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में जो डिवाइड था उसको सॉल्व किया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।